ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि आज हम एक बहुत ही अच्छी कॉज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ के सारे कैट्स हमने रेस्क्यू किया है। My coastal trip companion. They got me. So what's in our dinner thali today? Let's see. Hi, Pallavi. Hi. Hi. How are you? I'm good. How are you? We are good too. Thank you so much for inviting. Thank you so much for coming. This is, such an important event for us, and I can't believe everybody's here. So basically, thank you for coming. This is basically like the 6th anniversary fundraiser gala for the Feline Foundation. Okay, friends, let me tell you कि आज हम एक बहुत ही अच्छी cause के लिए यहाँ पर आए हुए हैं. Feline Foundation की 6th fundraiser gala anniversary है, and we are here. जो कि फीलाइन फाउंडेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जितने भी हमारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनकी टेक केयर करते हैं, एंड बहुत से एनिमल लवर्स हमारे व्यूअर्स हैं। आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी टू सी दिस वीडियो कि हम लोग कोविड के टाइम से ऐसा सीखते आ रहे हैं, स्पेशली वी रियलाइज्ड एट दैट टाइम दैट वी को एग्जिस्ट। मतलब हम लोग अकेले, हम ये जो हमारा प्लानट है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अस ह्यूमंस बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। तो हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका ध्यान रखें। ओके पल्लवी, टेल अस मोर अबाउट दिस। ओके, सो बेसिकली फीलाइन फाउंडेशन 6 साल से एक NGO है, और हम कैट्स और डॉग्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं मेनली। हम स्टेरिलाइजेशन, मतलब नसबंदी करते हैं कैट्स का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है बिकॉज कैट का पॉपुलेशन यू नो बहुत बढ़ गया है मुंबई में, और वो बहुत सफ़र भी करते हैं। तो उनका रेस्क्यू फीलाइन फाउंडेशन करते हैं। तो हम नसबंदी भी करते हैं, हम मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं स्ट्रे एनिमल्स को, और हमारा एक लो कॉस्ट वेटनरी क्लिनिक भी है जो लोग आके बहुत लो कॉस्ट में अपने जानवर का ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। सो पल्लवी, कैन वी गिव ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन? एब्सोल्युटली। सो आई विल पुट ऑल द लिंक्स फॉर आवर वेबसाइट एटसेट्रा, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन। हमने अंदर देखा, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ कैट्स इनसाइड। सो यू हैव अ डे केयर सेंटर और समथिंग लाइक दैट आल्सो, दैट पीपल लीव देयर पेट्स ओवर हियर विद यू, रख के जाते हैं? नॉट डे केयर सेंटर, बट बेसिकली हम यहां कैट कैफे स्टूडियो में है। कैट कैफे है जो यहां आप आके कॉफी पी के हमारे कैट से मिल सकते हैं। तो यहां के सारे कैट्स हमने रेस्क्यू किया है, वो बहुत सफर करते थे, तो अब हम रेस्क्यू करके अभी अडॉप्शन के लिए डाले हैं। करेक्ट। सो आप आके मिल सकते हैं उनसे, अडॉप्ट भी कर सकते हैं, एंड इट्स अ रियली रियली नाइस प्लेस टू कम मीट आवर रेस्क्यूड कैट्स। एंड ऑल्सो ये जो कैट कैफे स्टूडियो है, सो इट इज़ अ कैफे बेसिकली, तो क्या इसका जो भी रेवेन्यू होता है, आर यू ऑल यूजिंग इट फॉर टू टेक केयर ऑफ द कैट्स? यस, एवरीथिंग गोज बैक इनटू द केयर ऑफ द कैट्स। अमेजिंग गाइस। तो मतलब अगर आप यहाँ पर आके कैट कैफे स्टूडियो में एक कप कॉफी पी रहे हैं, यू आर डूइंग अ गुड डीड। आप बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं, एंड एक जो भी स्ट्रे एनिमल है उनका कोई नहीं है, उनके लिए हम ही लोग हैं एक्चुअली। उनके लिए कुछ भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक स्टेप ले रहे हैं उनकी अच्छाई के लिए। सो व्हाट आर द अदर वेज इन व्हिच लाइक पीपल लाइक अस, मतलब वी डोंट हैव एनी पेट्स एट होम, इफ वी वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कॉज, हम लोग क्या कर सकते हैं टू यू नो हेल्प, मदद करने के लिए? मेनी वेज इन व्हिच पीपल कैन कंट्रीब्यूट। अडॉप्शन इज वन वे, डोनेशन इज अनदर वे। सो इफ यू नो अदर पीपल और अदर NGOs हु आर डूइंग दैट गुड वर्क, यू कैन जॉइन देम ईदर बाय कंट्रीब्यूटिंग और एज अ वॉलंटियर। यू कैन जॉइन एज अ वॉलंटियर, यू कैन समटाइम्स हेल्प फीड द एनिमल्स इन योर एरिया और टेक देम टू द वेट और मेक श्योर दैट यू नो दे स्टेरिलाइज वैक्सीनेटेड। इफ आई फाइंड अ सफरिंग एनिमल जो कि बीमार है और रोड पर है और समथिंग, मैं उसको आपके पास लेके आ सकता हूँ, यू कैन टेक केयर ऑफ इट? या, सो वी हैव अ लो कॉस्ट वेट क्लिनिक, सो फॉर वेरी लो कॉस्ट यू कैन कम एंड गेट द एनिमल ट्रीटेड ड्यूरिंग द वेट क्लिनिक्स ओपनिंग आवर्स। वेरी गुड। दोस्तों, तो अगर आपको भी, मतलब अगर आप मुंबई में हैं, ये कैट कैफे वर्सोवा में, आराम से इसका एड्रेस हम आपको गूगल लिंक में दे ही देंगे, एंड द फीलाइन फाउंडेशन एड्रेस एज वेल। ओके, सारे एड्रेस, सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। तो अगर आपको कोई सफरिंग एनिमल लगे, आप दिखे, आप मदद करना चाहें, तो आप यहाँ पर पल्लवी के पास ले आइए, यानी कि कैट कैफे में ले आइए। दे विल टेक रियल गुड केयर ऑफ दैट स्ट्रे कैट और स्ट्रे डॉग, एंड यू विल बी डूइंग अ वेरी गुड डीड। एंड लेट्स टेक अ, कैन वी जस्ट सी द प्लेस? कैन वी? एब्सोल्युटली। हम लोग पूरा अपना जो है यहाँ पे जगह दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? एब्सोल्युटली। चलो, कम विद अस।
So we're gonna go inside Cat Cafe now. So basically this is a cafe area. So people can come here, you know, sit, have chai, coffee, you know, food, snacks, etc. And you can also go into the cat area. So the cat area is where all our rescued cats are up for adoption. So let's go inside. Today it's, I mean, because of the event there's a lot of people, but otherwise, you know, you can come sit down, have a very chill day, relax with the cats. There's no one's forcing you to, you know, like do anything. You can just come relax and play with the cats. Very nice. Actually bachcho ko lane ke liye bhi achhi jagah hai. They'll get a change from their television and kuch alag dekhenge. Yahan ke sare cats rescued cats hai, to har cat ka alag alag story hai, कैसे रेस्क्यू हुआ है, किसने किया है, कहाँ चोट लगी है, कहाँ मिला है, यू नो ईच कैट हैज़ अ स्टोरी एंड ऑनेस्टली द वे यू सी देम हियर आपको यकीन नहीं होएगा कि वो पहले कैसे हालत में थे. बट एनी वे दैट इज़ द पास्ट. नाउ वी बेसिकली कॉल देम आर सेकेंड चांस कैट्स. उनको सेकेंड चांस मिला है for a new life, and that's the whole point of Cat Cafe Studio. Amazing. So all the cats here have been rescued, treated by the Feline Foundation, and most of the cats, you know, they're here for a special reason. So maybe they're handicapped and they cannot survive on their own, or they were orphaned, or they're very senior and, you know, they don't have anyone to take care of them. But the one thing they all have in common is that they're all very friendly, very loving. My coastal trip companion. They got me. This is all merchandise. You can buy these things. Here, cats for adoption. So, के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे. Velvet Jays. Kitty, bitty, kitty. Committee cats for adoption. अरे सब बिल्लियों के नाम लिखे हुए हैं. हाँ वही. They're open from Tuesdays to Sundays, 12 to 8 p.m. For all to adopt. सब लिखा हुआ है यहाँ पर. ये सब आपको दे देंगे ना हम, सब कुछ डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ. ये दे देंगे. ये डर गए होंगे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना. आई थिंक दे मस्ट बी स्कैर्ड. ये लोग देखे हैं. यू आर नॉट स्कैर्ड, यू आर अ क्यूटी पाई. मेरे बाल तो नहीं गिरते. एंड नहीं, डर मत, डर मत, शी इज स्कैर्ड. अब पार्ट भी देगा. ओ स्वीट. वो डर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं शायद इसलिए ना. तो दोस्तों, कैट कैफ़े अच्छी तरह देख लिया, काफ़ी जानकारी हम सबको मिल गई कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं. अब इस कैफ़े में क्या क्या है जो आप आकर एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर कैट्स को देख सकते हैं, कैट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, और अपनी तरफ से आप जो भी मदद करना चाहें, डोनेशन देना चाहें, वो दे सकते हैं. तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो भी आपको बता दें. यहाँ पर मेन्यू कार्ड तो वैसे लता जी आपके हिसाब का है. हाँ, आई कैन सी सम हॉट कॉफीज, हॉट चॉकलेट, मैगी, वो भी तरह तरह की मैगी अवेलेबल है, ऑमलेट है. ओके, आई एम वेज. बेसिकली यार इट्स अ स्नैक प्लेस. या सैलड्स, नाइस सैलड्स हैं, सैंडविचेस हैं, सैंडविचेस, मंचीज, कोल्ड कॉफीज, काफ़ी कुछ है. काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर आइए, अपनी यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कीजिए. म्यूजिक बहुत अच्छा है. ऑल्सो लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली. इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. यस, बिल्कुल भी ओवर प्राइस्ड कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर. ऑल राइट, तो ठीक है, अभी इतना कुछ हमने देख लिया है, अब हम अंदर चल के कुछ खाते हैं. और आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारे साथ बने रहेंगे और क्या. तो चलिए अंदर चलते हैं और इस कैफे के कुछ स्नैक्स लेकर आपको बताते हैं. ऑलराइट, चलिए. ओके गाइस, तो ये आज जो हम खाने जा रहे हैं ये कैट कैफ़े का मेन्यू नहीं है, लेकिन जो शेफ्स हैं वो कैट कैफ़े के ही हैं, उन्होंने ये सब प्रिपेयर किया है. सो व्हाट्स इन आवर डिनर थाली टुडे, लेट्स सी. एंड मैं खा रही हूँ स्टर फ्राई टोफू विद वेजिटेबल्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड रात के लिए एकदम परफेक्ट है. एंड साथ में है पनीर टिक्का विद चटनी. एंड व्हाट आर यू ईटिंग? मेरे पास हैं चिकन सॉसेजेस विद चेरी, और ये चिकन के कबाब, सब चिकन ही चिकन, और ये है ग्रिल्ड चिकन, और चटनी इनकी बहुत ही अमेजिंग है, और चिकन भी बहुत ही अमेजिंग है. और हम खाएंगे वेज. सो दिस इज द कंट्रास्ट बिटवीन अस. ये खाओ तो उसकी डिनर थाली में तो कुछ और भी होने वाला है वैसे इसके बाद, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मेरा डिनर इसमें कंप्लीट हो जाएगा. सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू ईट टुनाइट? मैं आज घर पे बनाकर आया हूँ मैंगलोरियन स्टाइल चिकन, और साथ में नीर डोसा.
So if you want the Mangalorean style chicken recipe, then please write to us in the comment box. आप हमारे दूसरे चैनल खाओ तो संजीव सेठ पे देख सकते हैं. It is already on the channel. It's already there. Oh, I thought नहीं है. Okay, okay. So we'll give you the link. Yeah. ठीक है. Okay, guys. So thank you so much for being with us. And please description जरूर पढ़िएगा. जो भी हो सके हमारे अपने जो animals हैं सारे उनके लिए जरूर कुछ कीजिएगा. So thank you so much for being with us. Thank you.